बेटा ये एक फोटो एडिट करवाना था, कोई एक अच्छा सा फिल्टर लगा के देना। पापा मुझे कॉलेज के असाइनमेंट्स करने हैं, आपको तो मालूम ही है कॉलेज के असाइनमेंट्स मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अरे पापा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये फालतू चीजों के लिए। एक सेकंड पापा। हाँ चमेली बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा वीडियो एडिट करवाना है, हो जाएगा? VFX भी कर दूँ? अच्छा वो नहीं चाहिए। कहाँ जा रहा है अमित? मम्मी वो चमेली के घर जा रहा हूँ। तेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स बाकी थे ना? अरे मॉम कॉलेज के असाइनमेंट्स ही तो है, नथिंग इम्पोर्टेंट, बाद में भी हो जाएगा। अच्छा बेटा दही खा के जाना। हाँ दही क्यों? अरे कुछ करने जा रहे हो ना तो दही खाना चाहिए, इससे अच्छी चीजें होती है। अच्छा दही खाने से अच्छी चीजें होती है? काश मैंने सुहाग रात से पहले दही खाई होती। क्या? कुछ नहीं बेटा, वो सुहाग रात याद आ गई। हमारी सुहाग रात कितनी अच्छी थी ना। क्या खाक अच्छी थी? क्यों क्या हुआ था पापा? मुझे आज भी वो दिन याद है। अच्छा सुनो डार्लिंग, मुझे ना आज रात के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं संभाल लूंगी। क्या? मैंने कामा सूत्रा पढ़ा है। कामा सूत्रा तो मैंने भी पढ़ा है, बट उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और MRP लिखा था बस। अरे मैं उसकी नहीं, मैं बुक की बात कर रही हूँ। अच्छा उसकी बुक भी आती है? हाँ। तो बुक को कहाँ लगाने का? अरे उसको कहीं लगाने का नहीं, उसको पढ़ने का। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किसको पसंद करती हो? मैं तो सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ आप, जो उस दिन पनीर के पकौड़े लाए थे ना उसको। अरे मैं खानों की नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसानों में तो मैं आप, जहाँ से वो समोसे लाए थे ना वही चंदू हलवाई के बेटे को करती हूँ। क्यों उसमें ऐसा क्या है? अरे जब मेरा ना हाथ फ्रैक्चर हुआ था ना तब नहाने के टाइम वही मेरे पीठ पे साबुन लगाता था। क्या क्या क्या? कौन है वो, उसका नाम बताओ मुझे। अरे वो अंधा है। अच्छा अंधा है, सो सैड। अगर वो अंधा है तो वो साबुन कैसे उठाता था? कैसे उठाता था मतलब उसकी आंखें थोड़ी खराब हुई है। अरे तुमने ही तो बोला वो अंधा है। अरे अंधा उसका नाम है, अंधा दुबे। सुनो बेटा। पापा आप? अरे ससुर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो देखने आया था कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, पंखे वगैरह चल तो रहे हैं ना बेटा? नहीं ससुर जी पंखे तो नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो फिर ठीक है, 15 साल पहले मैंने ही काटे थे बेटा वायर। क्यों? बेटा तुमको तो मालूम है ना ये बिजली का बिल कितना बढ़ गया है। बेटा ये दूध पी लेना, अभी अभी ताजी भैंसिया से निकाली है। अरे ये तो सुसु है। क्या लगता है आज फिर गलत जगह से भर लिया है बेटा? वो आंखें कमजोर हो गई है ना, पता नहीं चलता है लोटा कहाँ रखूं। कोई बात नहीं ससुर जी, आज मैं दूध कहीं और से पी लूंगा, मंगवा लूंगा, फोन करके मैं मंगवा लूंगा। अच्छा बेटा तुम्हारे पास ड्यूरेक्स तो है ना? ड्यूरेक्स? वो है हमारे पास, हमें नहीं चाहिए। बेटा मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तो मांग रहा हूँ, तुम्हारे पास है तो एक दे दो बेटा। वो क्या है ना कि आज तुम्हारी सास का मूड बना है। दांत सारे टूट गए फिर भी गन्ने छीलने हैं। क्या बेटा? 5 बच्चों से दिल नहीं भरा आपका? बेटा 5 बच्चों से दिल भर गया इसलिए तो ड्यूरेक्स मांग रहा हूँ, नहीं तो बेटा दारू तो मुझे भी नीट ही पसंद है। पापा मम्मी कहाँ गई है? वो तो वैसलीन लेने गई है ना बेटा। अरे उसके होंठ फट जाते हैं ना बेटा इसीलिए। उसके बाद क्या हुआ पापा? क्या बताऊं बेटा, बुड्ढे ने इतना पकाया कि नींद आ गई मुझे। मेरे बाप को जो बोलना है बोलो, मुझे कुछ बोला तो थप्पड़ लगा दूंगी। कैसे हो बेटा? ससुर जी आप? अरे पापा आप? अरे नाना जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पापा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप उस दिन रात को सो गए थे तो मैं कैसे? अरे बेटी तूने बताया नहीं रात को अंधा दुबे आया था?